यो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं द ब्रदर्स द टेल ऑफ टू सन्स। एक्चुअली इतना तगड़ा गेम है, इतना दमदार है यार, इसमें पार्कोर है, इमोशनल सीन्स है, बहुत तगड़ा गेम है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो गेम स्टार्ट हो चुका है गाइस। एक्चुअली इसमें दो भाइयों की कहानी दी गई है कि उन किस तरह से प्रॉब्लम को फेस करते हैं, किस तरह से उनको डील करके किस तरह से आगे प्रोसीड करते हैं, लाइक दैट। और हाँ, मेन बात, ये गेम आपको प्ले स्टोर पे पेड मिलेगा। एक्चुअली इसके लिए 130 रुपीज़ कुछ लगते हैं, बट इफ़ यू वॉन्ट टू डाउनलोड फ्री, यू हैव टू मच ऑप्शन गाइस, तो सर्च करके इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ओ यार, ये गलत सीन हो गया यहाँ पे। ये शायद इसका पास्ट दिखा रहे हैं कि क्या हुआ है। गाइज आई विल टेल वन थिंग यार, ये गेम आपको रुला देगा यार, मतलब बहुत तगड़े इमोशनल सीन्स भी है इसके अंदर एक्चुअली। बट इसकी जो सिनेमेटिकल लैंग्वेज है ना, वो मुझे समझ नहीं रही है एक्चुअली। यहाँ पे सब टाइटल्स भी नहीं है ना, तो इंग्लिश में सब टाइटल भी नहीं आ रहे, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओके देखो, ये इसका बिग ब्रदर है। तो ये कौन है यार, पता नहीं, देखते हैं अभी क्या है सीन है यहाँ पे। वैसे गेम के ग्राफिक्स कंट्रोल बहुत सही है मैंने सुना है। ओके यहाँ पे देखो, बिग ब्रदर एंड लिटिल ब्रदर के कंट्रोल्स है यहाँ पे, तो हमें दोनों को साथ में कंट्रोल करके हुए हमें इस गेम को खेलना है गाइज। बट लिटरली गाइज इसकी सेंसिटिविटी, इसके कंट्रोल बहुत सही है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है मुझे। मैं जस्ट सीख रहा हूँ कि एक्चुअली फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ गाइज इस गेम को मैं, और ये पुराना गेम है एक्चुअली, आप तो जानते हो उस गेम के बारे में। काफ़ी अच्छा गेम है, सिनेमैटिक गेम है, तो देखते हैं क्या होता है। सामने ब्रिजेस है गाइज, तो मुझे इस आदमी को ब्रिजेस से क्रॉस करवाना होगा, और यहाँ पे एक लीवर भी है। ओके देखते हैं अभी मुझे इसको किस तरह से प्रेस करना है। मे बी लिटिल ब्रदर ये नहीं कर पाएगा, अरे यार इससे तो खींचा भी नहीं जा रहा है, रुको इस बिग ब्रदर को ही करना पड़ेगा। तो हट जा भाई, ये करेगा, तेरा भाई करेगा, हट जा तू। तो मे बी ये कर पाए बस। ओके ही हैड डन। तो चलो इस साइड तो आ चुके हैं अभी हम, और इसे अभी हमें खींच के लेके जाना पड़ेगा। वैसे यार एक आदमी भी इसको खींच पाएगा मे बी, बट आई थिंक दोनों को साथ में ले जाना होगा, तभी हम इसको जो है आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो हम आ चुके हैं, अभी मुझे आराम से इसको टर्न करते हुए इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। बट यार यहाँ से ऊपर कैसे जाए, आई थिंक इसके लिए भी कोई लीवर होगा। और ये रहा गाइस, ये देखो ऊपर एक लीवर है, बट मुझे वहाँ तक पहुँचना होगा। अरे इस साइड से एक रास्ता है गाइस, बट कैसे जाए यार, यहाँ पे सीढ़ी है, और सीढ़ी में भी हाथ में नहीं आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर है। देखते ट्राई करते, नहीं गाइज यहाँ से तो वो हाथ में नहीं आएगी। ओहो गाइज समझ गए आप, यहाँ पे हमें इसको लिफ्ट करना था। सही है, यहाँ पे एक लीड भी दिख रही है गाइज, बट ये लीड ही है ना। अरे हाँ, तो अब मैं ऊपर आ सकता हूँ, और शायद हमें वहाँ पे जाके वो लीवर को रोटेट करना है, तब शायद ये जो प्लेटफॉर्म है ये ऊपर आएगा। लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। तो अभी हम इसको रोटेट करते हैं, देखते हैं, दोनों साइड से हमें रोटेट करना होगा। ओके टर्न द क्रैंक। ओके ये लो गाइस, इसको मैं ऊपर तो लेके आ चुका हूँ, अभी शायद हमें इसको कहाँ पे लेके जाना, पता नहीं एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, जस्ट जहाँ पे रास्ता दिख रहा है ना वहाँ पे हम चल रहे हैं। और ये देखो गाइस, मैं अकेला खींच रहा हूँ ना, तो ये खींचे जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर ठीक है दोनों है ना, दोनों साथ में काम करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे लेके आना था, मे बी ये हमें कुछ देगा, जड़ी बूटी या देगा, पता नहीं अभी क्या होता है, चलते हैं अंदर। और देख सकते हो यार सिटी का लुक बिल्कुल पुराने ज़माने जैसा है यार, इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, इस गेम का यही प्रॉब्लम है। बट हाँ, उनका क्या कहना है इसके ऊपर थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा सकते हैं। मे बी वो हमें कुछ बता रहा है कि तुम्हें समथिंग लेके आना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कुछ ये मैप जैसा लग रहा है, और ये लोकेशन भी हमें इंडिकेट कर रहा है। ठीक है चलो गाइज, हमने इनसे बात तो कर ली, अभी हमें जाना पड़ेगा देखने, क्योंकि मैंने स्किप कर देते कुछ सिनेमैटिक, क्योंकि ज़्यादा सिनेमैटिक भी थोड़े बहुत बोर लगते हैं। तो अभी चलते हैं फटाफट से, अभी हमारा मिशन है उसको लेके आना, जो भी उन्होंने कहा है, तो चलते हैं अभी आगे। और ये कौन है भाई, ये क्यों टांग अड़ा रहा है बीच में यार, इसका मुंह तोड़ने का मन कर रहा है, बट
ओके यार, ये बड़ा भाई समझदार है, ये कह रहा है चलो इस साइड से रास्ता, इस साइड से चलते हैं, और इस साइड वाटर है। हाँ यार, ये इतना छोटा बच्चा कैसे जा पाएगा पानी के अंदर से यार, पता नहीं, इसके बड़े भाई को ही कुछ करना पड़ेगा। ओके, इसके इंडिकेशन से देख सकते हो गाइस, ये कह रहा है कि जस्ट यू कैन पिक माय हैंड्स एंड ऑल थिंग्स। तो अभी देखते हैं किस तरह से हमें इस रिवर को क्रॉस करना है, मे बी यही हमारा रास्ता होगा रिवर क्रॉस करके जाना। ओके गाइस, हमने इसके पीठ को पकड़ लिया है स्मॉल ब्रदर ने, तो अभी मुझे इसको लेके जाना है पानी के थ्रू दूसरे साइड पे। तो अभी चलते यार, एक्चुअली ग्राफिक्स बहुत सही है यार गेम के, और इसके ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है इस गेम को, 600 से 700 में ये आ जाएगा, आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो हम पहुँच चुके नेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए यहाँ पे भी थोड़ा पार्क हो रहा है, सो लेट्स सी गाइस, हमें ऊपर चलना पड़ेगा यहाँ पे, तो चलते हैं अभी ऊपर। और ये पता नहीं ये जो बंदा ये कौन है गाइस, ये एक बार हाथ में जिसका मुंह तोड़ेंगे हम, क्योंकि इसने गाइस हमारा रास्ता रोका है। इसकी भेंडी यार गाइस, सच में बोल रहा हूँ गाइस, ये बस हाथ लग जाए, इतना मजाक उड़ा रहा है हमारा। चलो कोई नहीं, यहाँ पे एक और रास्ता है, तो हम सबसे पहले ऊपर चलते हैं। अब स्मॉल ब्रदर हमें फॉलो करता हुआ ऊपर आएगा, ठीक है चलो। अब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पार्क हो रहा है, बस ये गिर ना जाए बस मैं ये होप कर रहा हूँ, अदरवाइज फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से ओके, हमें लटक के जाना पड़ेगा, तो लेट्स जंप भाई। छोटे तू कर पाएगा ना? आई थिंक कर पाएगा यार। चलो दोनों बहादुर हैं, हम पहुंच चुके हैं दूसरे साइड पे। अब यहाँ से हम कूद के नीचे उतर जाते। वेल, यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा है। ओके, यहाँ पे एक बंदा है जो सुस्ता रहा है यहाँ पे बैठ के। अरे भाई बैठना नहीं भाई, वहाँ पे एक आदमी की जान खतरे में है, उठ जा। यहाँ पे हमें बैठना नहीं है, मुझे एक और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ओके, इसके ऊपर चढ़ सकते हैं हम। इधर देख भाई, छोटे हमें फॉलो कर दे, चल उसके पास मत जा। चलो ये अभी हमें फॉलो करेगा मे बी। ओके ठीक है, इस साइड से रास्ता है। और अभी यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पे एक स्कैक्रो है गाइस, तो फार्मिंग वगैरह भी होती रहती है यार। ये छोटे बच्चे कभी नहीं सुधरेगे यार, मतलब देख सकते हो किस तरह से चिढ़ा रहा है उसको। और यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता है, तो यहाँ से फटाफट से ऊपर चलते हैं अभी। तू छोटे आराम से आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिर जाएगा तो लग जाएगा, हमें इसके लिए वेट करना होगा। वैसे यार दोनों बहुत ज़्यादा बहादुर है, तो चलो। अरे यार यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, यहाँ से बहुत आराम से जाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं गिर जाऊँगा नीचे। आराम से, कंट्रोल थोड़े भी नहीं हिलने चाहिए। यो गाइस, बड़े भाई ने तो कर लिया, अब छोटा भाई की बारी है। पहले तो बहुत ज़्यादा फास्ट है यार, मतलब छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं गाइस, एक्चुअली मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत जल्दी सीख जाते हैं। व्हाट द फिश यार, ये बंदे का सच में मुंह तोड़ने वाला हूँ मैं गाइस। अभी पता नहीं ये मेरे हाथ नहीं आ रहा है, हमें हर जगह पे जा रहा हूँ ना, हर जगह गेट बंद कर रहा है ऊपर से। ओ छोटू यहाँ से निकल गया गाइस। अब मे भी ये यहाँ पे एक लीवर है, शायद इससे ये डोर खुलेगा, पता नहीं, शायद ये ओपन कर पाए, बस ये होप कर रहा हूँ ये रोटेट कर पाए। ओके ओके, ये डॉगी का डोर खुल रहा है गाइस, और देखो कैसे भाग गया, साले के साथ ऐसा ही होना चाहिए यार, कितना परेशान कर रहा था, देख सकते हो गाइस, ये वहाँ पे भी हमें ट्रैप कर दिया और इधर भी ट्रैप कर रहा है। चलो आगे चलते हैं अभी। अब बोल भाई, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, देखो किस तरह से एकदम भीगी बिल्ली बन के यहाँ पे बैठा है, और अभी हमें इसके ऊपर हंसने का मन कर रहा है। चलो मैंने तो हंस भी दिया गाइस, क्योंकि यार इस गधे को तो मैं मारना चाहता था, बट ठीक है चलो आगे चलते हैं, अपने पास इतना टाइम नहीं है इसके साथ वेस्ट करने के लिए, अभी आगे चलते हैं। वे यहाँ पे बहुत बड़ी सिटी यार, इनको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी चलते जो मेन हमारा टास्क है उसको कंप्लीट करते हैं। तो जितना ऊपर हो सके फटाफट से चलते हुए चलेंगे। और यहाँ पे एक ब्रिज है, बट ये बंदा तो सो रहा है यार, इसे हमें कैसे वेकअप करना होगा। उठ जा भाई उठ जा, ये उठने का नाम नहीं ले रहा है। अब मे भी ये छोटू कुछ करेगा। ओ भाई साहब, गजब का छोटू है भाई ये तो, इसने तो इसके पानी डाल के इसको जगा दिया। और चलो इसको हम दिखा देते कि भाई हमें यहाँ पे जाना है। ये हुई ना बात गाइस, इसने खोल दिया है वो रास्ता, तो अभी फटाफट से चलते आगे। अभी पता नहीं आगे किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी हमें, अभी कहाँ तक जाना पड़ेगा वो मेडिसिन ढूंढने, या वॉट एवर जो भी हो, मुझे पता नहीं उन्हें क्या लेने भेजा है, क्योंकि लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है लिटरली। तो गाइज़ आज की वाली वीडियो में इतना ही गाइज़,
तो आगे क्या होगा, किस तरह से हमें मेडिसिन मिलेंगी, आगे किस टाइप के विलन्स हमें मिलेंगे, किस तरह की फाइट होगी, सब आपको देखने मिलेगा इसके अगले पार्ट में। सो नाउ मेक श्योर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने वीडियो को शेयर जरूर करना, और ऑफ कोर्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट शो में गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।